हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। हर समर में मुझे ब्राइड क्यों बनाते हो? मतलब कौन लोग हैं जो समर में शादी करना चाहते हैं? बहुत प्यार है उन लोगों के बीच में जो इतनी गर्मी में शादी कर रहे हैं। कोकोनट वाटर और ये सब तो डेली ही पीते हैं, लेकिन समर्स में हाँ मतलब कंपल्सरीली डेली ही पीते हैं, वरना कभी कभी विंटर्स में जैसे स्किप हो जाते हैं, लेकिन समर्स में कोकोनट वाटर और पानी अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए। थ्री थिंग्स यू लव द समर सीजन। आई थिंक आइसक्रीम, मैंगो, और समर्स में मुझे और क्या पसंद है, बस यही दोनों चीजें मुझे। अच्छा, हीट, स्वेट, और बहुत ज्यादा जो टायर्डनेस हो जाती है और जो इतनी हीट है मतलब बर्दाश्त नहीं होती, और सारे एसी भी समर सीजन शुरू होता नहीं और सब खराब हो जाते। योर फेवरेट फूड इन समर? माय फेवरेट फूड इन समर, मैंगो शेक और आइसक्रीम्स ऑफ कोर्स, और वाटरमेलन मुझे बहुत अच्छा लगता है स्पेशली समर सीजन। अगर लाइट फूड अगर हमें किसी को ऑफर करना हो, या अगर आपको बताना हो कि लाइट फूड में क्या खा सकते हैं, तो कुछ बताना चाहोगे? क्या ही आप यूज करते हो? मैं एक्चुअली अगर कुछ लाइट खाना होगा तो मैं यूजुअली चाट वगैरह खा लेती हूँ, या फिर रोल्स खा लेती हूँ, और रैप्स, रोल्स, चाट, और या तो आप सैलड्स होते हैं, बहुत टाइप के सैलड्स हैं, रेसिपीज हैं यूट्यूब पे इतने सारे, वैसा कुछ खा सकते हैं। समर्स में लाइट खाना चाहिए। ओके, समर्स में आपने कहीं ऐसा एक्सपीरियंस किया, आपको ऐसा कहीं जाना है जो आपका डेस्टिनी प्लेस हो, जहाँ आपको घूमना है, बहुत मन है कोई ऐसी जगह जहाँ? समर्स में मुझे कहीं जाने का मन नहीं होता, मुझे घर से बाहर भी निकलने का मन नहीं होता। हिल स्टेशन? हाँ ऑफ कोर्स हिल स्टेशन, लेकिन पता नहीं हिल स्टेशन पे इस टाइम पे इतने लोग होते हैं, मेरा वहाँ भी जाने का मन नहीं होता। इससे अच्छा घर पे बैठो, चिल करो, नेटफ्लिक्स देखो और एसी में बैठो, ये है मेरा मतलब आइडियल समर। ओके, आप अपनी आपको हाइड्रेट कैसे रखते हो समर्स में? पानी पीती हूँ मैं बहुत सारा, और वाटरमेलन जैसे कि मैंने बताया मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कुछ ना जैसे कोकोनट वाटर और ये सब तो डेली ही पीते हैं, लेकिन समर्स में हाँ मतलब कंपल्सरीली डेली ही पीते हैं, वरना कभी कभी विंटर्स में जैसे स्किप हो जाते हैं, लेकिन समर्स में कोकोनट वाटर और पानी अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट रखते हैं। ओके, अगर आपको धूप में मान लो खड़ा कर दिया जाए और कोई गाना हो, तो कौन सा ऐसा गाना होगा जो आप गाओगे? हे भगवान, मैं भगवान से कहूंगी हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, ये गाना गाऊंगी। ओके, लास्ट में अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे? मैं फैंस को कहना चाहूंगी कि डिम्पी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और प्यार दीजिए, और समर्स में अपना खास ख्याल रखिए, बाहर कम निकलिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, समर फ्रूट्स खाइए और मजे कीजिए। ओके, लास्ट वन टू मोर क्वेश्चंस। समर्स में आप किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हो? बहुत लाइट, बहुत ही ईजी ब्रीजी, मतलब मैं बिल्कुल भी जो जीन्स वगैरह और डेनिम्स वगैरह मैं नहीं पहनती हूँ, सिर्फ जैसे होते हैं ना कॉटन वाले लाइट ड्रेसेस वगैरह जो थोड़े फ्लोई होते हैं, वैसे कपड़े पहनती हूँ। ओके, सेट पे जब आप आते हो, और जैसे बाहर के सेट्स हैं, नायका वगैरह जो भी है, सब में एक ये है कि एयर कंडीशन चारों तरफ होता है, बट सेट यहाँ फिल्म सिटी में मोस्टली देखा जाता है कि ड्रैगन ही होता है हमारा, वही जरिया जिससे थोड़ी हवा हमें मिलती है, तो इस दौरान शूट में कितना प्रॉब्लम होता है, क्या होता है, कुछ अपने एक्सपीरियंस, अपने समर्स एक्सपीरियंस अपने फैंस के साथ शेयर करिए। जो मतलब मेरा सबसे खतरनाक समर एक्सपीरियंस ऑन सेट था, वो था लास्ट ईयर जब समर और डिम्पल की शादी हुई थी यही सेट पे, और हम इतने कम से कम 18 से 20 आर्टिस्ट थे, मतलब सिर्फ मेन आर्टिस्ट, उसके बाद सेकेंडरी कास्ट सब कुछ अलग थी, और उसमें मुझे याद है मैं तो बारात में नहीं थी, लेकिन इतनी गर्मी में सब लोगों ने बाहर आउटडोर बारात का शूट किया था, मुझे लगता है वो वाला दिन एकदम ही मेरे लिए उन लोगों के लिए इज्जत बढ़ गई कि इतनी गर्मी में ये लोग बारात सीन शूट कर रहे, वो भी 6 घंटे चला था और सब बारात में डांस कर रहे थे, बाप रे। तो वो सबसे ज्यादा अब तक का सबसे जो वो पूरा सीक्वेंस था, मई में हमने शूट किया था, मोस्टली सीन्स आउटडोर थे,
और कॉस्ट्यूम के साथ हमने पूरा 12 घंटे कैसे झेला है ना उस समर को, मुझे अभी तक याद है। और इस समर भी मेरी फिर से शादी हो रही है, तो अब देखते हैं कैसा होगा। ओके, बात की जाए समर्स की और वेडिंग अटायर जब भी आप पहनते हो, तो क्या आप ये सोचते हो कि हर सीजन में, इसी सीजन में क्यों ही हमें वेडिंग अटायर या फिर कोई ऐसा ट्रेडिशनल कपड़े क्यों मिलते हैं? हाँ, मैं हमेशा ये सोचती हूँ और मतलब मैं भगवान से पूछती हूँ कि ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ, हर समर में मुझे ब्राइड क्यों बनाते हो, मतलब कौन लोग हैं जो समर में शादी करना चाहते हैं, बहुत प्यार है उन लोगों के बीच में जो इतनी गर्मी में शादी कर रहे हैं। और स्पेशली जब इतना हम ज्वेलरी पहनते हैं, मुझे तो रैशेज हो जाते हैं, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, और जब कुछ सीक्वेंस का साड़ी, मुझे तो कॉटन से भी रैशेज हो जाते हैं, तो सीक्वेंस वगैरह तो मैं पहनती हूँ, मेरी बैंड बच जाती है, तो और उसमें इतनी गर्मी और एकदम पसीना चिपचिप, कैसे शूट हम कर रहे हैं हमें ही पता है यहाँ पे।